एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि गो टू द या वेन टू द का इस्तेमाल क्या है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। जैसा कि पहला एग्जांपल है आई वेंट टू कॉलेज और दूसरा एग्जांपल है आई वेंट टू द कॉलेज। तो यहाँ मैंने अपने पहले सेंटेंस से बोला वेंट टू जबकि मैंने अपने दूसरे सेंटेंस से बोला वेंट टू द। तो वीवर का क्वेश्चन है क्या इन दोनों में कोई फर्क है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा हाँ इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। जब गो टू के बाद आप कोई नाउन लिखते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस का सेंस ये होता है कि आपके सेंटेंस में आया हुआ सब्जेक्ट यानी आप जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वो उस जगह पर उसी के लिए जा रहा है जिस मकसद से वो है। यानी कॉलेज जाने का मकसद पढ़ाई करना होता है, हॉस्पिटल जाने का मतलब इलाज कराना होता है, मंदिर जाने का मतलब पूजा करना होता है। तो अगर कोई आदमी कहता है आई वेंट टू कॉलेज तो इसका मतलब हुआ मैं कॉलेज गया, जबकि इस सेंटेंस का सेंस है कि मैं कॉलेज पढ़ने के लिए गया। अगर कोई कहे आई वेंट टू हॉस्पिटल तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मैं हॉस्पिटल गया, जबकि इस सेंटेंस का सेंस है कि मैं इलाज के लिए हॉस्पिटल गया। अगर कोई कहे आई वेंट टू टेम्पल तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं मंदिर गया, लेकिन इस सेंटेंस का सेंस है कि मैं मंदिर पूजा करने के लिए गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया। जब गो टू के बाद आप कोई नाउन लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट उस जगह को इसलिए गया जिस मकसद से वो है। लेकिन अगर कोई आदमी कहता है आई वेंट टू द कॉलेज या आई वेंट टू द हॉस्पिटल या आई वेंट टू द टेम्पल तो इन सभी सेंटेंसेस का सेंस है कि सब्जेक्ट इन सभी जगह पर उस लिए नहीं गया जिसके लिए वो है। यानी अगर हम पहला एग्जाम्पल की बात करें जो है ही वेंट टू द कॉलेज तो इस सेंटेंस का सेंस है ही वेंट टू कॉलेज टू सी द प्लेस, यानी वह कॉलेज पढ़ने नहीं गया बल्कि वह कॉलेज देखने गया या वहाँ घूमने गया। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ आई वेंट टू द टेम्पल तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं मंदिर गया, लेकिन इस सेंटेंस का सेंस है कि मैं मंदिर में पूजा करने नहीं गया, मैं वहाँ घूमने गया या उस जगह को देखने गया। आई वेंट टू द हॉस्पिटल इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मैं हॉस्पिटल गया, जबकि इस सेंटेंस का सेंस है कि मैं हॉस्पिटल देखने गया या वह जगह घूमने गया। इस सेंटेंस का ये बिल्कुल सेंस नहीं कि मैं हॉस्पिटल इलाज के लिए गया। हो सकता है कि मैंने जो बताया आपको मेरे बातों पर डाउट हो, तो अगर आपको मेरे बातों पर डाउट है तो आप खुद यहाँ पढ़ लें ताकि आपको यकीन हो सके कि जो मैंने बताया वो करेक्ट था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।